अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार किस्म का केक, चॉकलेट केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो अज्जा लिए हैं वो है 3 अंडे, और यहाँ पर लिया है आधा कप ऑयल, और आधा कप जो है यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी। चीनी रेगुलर जो शुगर होती है उसको मैंने पीस लिया, और यहाँ पर 1 कप जो है यहाँ पर मैदा लिया है मैंने, और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, और यहाँ पर 1 टीस्पून यहाँ है वेनिला एसेंस, और नीम गरम दूध लिया है। हसब जरूरत इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अंडे तोड़ लेते हैं, और अंडे हम किसी दूसरे बॉयल में तोड़ेंगे और फिर इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर एक अंडा खराब निकला तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें मैदा जो है मैं डस्ट करूंगी, और डस्ट करने के बाद यानी कि सबसे पहले हमें पैन को रेडी करना होता है जिसमें हमें केक बनाना है, तो इसको मैंने रेडी कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा पैन रेडी हो गया। तो व्यूवर्स, मैंने अलग अलग तोड़ के अंडे इसमें ऐड कर दिए, और अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये ऐड हो गई इसमें, और मैं इसमें ऐड करूंगी वेनिला एसेंस, और इसको अच्छा सा हम बीट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको स्पून से मिला देती हूँ, क्योंकि अगर हम चीनी के अंदर बिटर यूज करेंगे ना तो चीनी फौरन से मुंह पर आएगी हमारे। तो पहले चीनी को थोड़ा सा इसमें डिसॉल्व कर देता है। देखिए अच्छा सा हो गया डिसॉल्व। अब इसमें बिटर चलाएंगे तो मसला नहीं होगा। देखा आपने कितने जबरदस्त किस्म की यहाँ पर जो है डिसॉल्व हो गई चीनी। ये देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त फ्लफी फ्लफी सा बन गया, ठीक है ना, जबरदस्त। तो अंडों को डालने के बाद हमें इसमें ऑयल डालना है। ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको भी अच्छा सा हम बीट कर लेंगे ऑयल को भी। ऑयल को हमने बीट कर लिया। अब हमें डालना चाहिए इसमें मैदा। मैदा ऐड हो जाएगा इसमें। मैदे को पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर इसमें बीटर चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने मैदा जो है इसके अंदर अच्छा सा फोल्ड कर दिया है, और अब हमने चलाना है इसे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे, यही इंग्रेडिएंट्स इसी की मेजरमेंट से डालेंगे, तो जरूर जरूर केक आपका भी बहुत जल्दी बनेगा। देखिए अच्छा सा हम इसे बीट कर लें, यकजान हो जाए सब चीजें। तो बन रहा है यहाँ पर चॉकलेट केक। इसका एक और नाम जो है वो है ऑस्ट्रेलियन लेवेंडर केक, और बच्चे बड़ों सबको पसंद है, इसीलिए तैयार होता है ताकि मेरे बच्चे आए तो खुश हो जाए केक देखकर। ये तैयार हो गया। अब यहां पर हम डालेंगे
मिल्क जो नीम गर्म मैंने रखा था यहाँ पर वो इसमें ऐड करेंगे और ऐड करते जाएंगे और इसको यहाँ पर बीटर चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मिल्क ऐड कर दिया मैंने और इसको अच्छा सा दोबारा से बीट कर लिया है। अब हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स हमारा बैटर देखें कितना अच्छा रेडी हुआ है, ये देखें रिबन लाइक ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको केक टिन में डाल देंगे जहां जिसमें हमें बेक करना है, तो इसको यहां ऐड कर देंगे। ये देखें जबरदस्त रिबन लाइक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही मैं, रिबन लाइक टेक्सचर। तो यहां भी क्लास वाला माहौल बन गया। ये देखें ये हमने ऐड कर दिया इसमें, अब इसको टैप कर लेंगे। और आज हम विदाउट ओवन बना रहे हैं पतीले में, ओवन में मैंने आपको दिखाया है पहले भी, तो अगर हमारे पास ओवन ना हो तो हम पतीले में भी आराम से बेक कर सकते हैं। तो अब इसको मैं रख देती हूँ। तो यहां मैंने प्री हीट कर लिया था पतीले को और अब इसमें मैं रख दूंगी। तो मेरे पास यहाँ स्टिक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई हवा वगैरह है तो वो निकल जाए। ये हमने सेट कर दिया इसको, तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह 40 मिनट के बाद। तो यहां मैंने जो है कोको पाउडर 3 चम्मच डाला है, मिल्क डाला है इसके अंदर 1 कप और इसमें मैंने चीनी डाली है तकरीबन, और उसको अच्छा सा बीट कर लेंगे, मिला लेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे तो इसकी चॉकलेट बन जाएगी। तो व्यूवर्स चॉकलेट तैयार हो गई यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट भी मैंने रख दिया है और साथ साथ हमारा केक भी रेडी हो गया है। तो अब केक ठंडा हो जाएगा, मैं पीसेस करूँगी इसके और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इसके पीसेस मैं यहाँ रख रही हूँ, डिप करूँगी। ये देखिए इसमें डिप हो गया, ये देखिए हम अच्छा सा इसको हमने डिप किया। तो यहाँ अब हम इसके ऊपर कोकोनट डाल देंगे अच्छा सा। हमने इसको कवर कर दिया और इस तरीके से इसको रखते जाएंगे। और सारे पीसेस को हम ऐसे ही बना लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Guys, so it's over to me. So we're done with this Australian Flemington cake and I think it looks so yum. I can't wait to have it. Yeah, so it is sprinkled with desiccated coconut. Desiccated coconuts and chocolate topping on top. So I hope you guys will like this video and if you do then don't forget to give it a thumbs up, subscribe and we'll catch you guys in another amazing recipe with my mom obviously. So yeah, take care, bye. No. I cut the cake. So we're doing a taste test now I think. This is very juicy and very... Yeah, it's very juicy and it's very moist. You guys can see. Yeah, this is how it looks. So viewers, in duaon ke saath, ke Allah Taala aap sab ke dasturkhanon ko sajaye rakhe, aapko bahut khushiyan de. Ameen subha ameen. Rahat Saeed ko ijazat dijiye apni khususi momin Hadia Saeed ke saath. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.